सोमबार सिलगढ़ी लायन्स क्लब ग्रेटर अनि फेमिनाको संयुक्त तत्वधानमा दुर्गागढ़ी नौ ग्रह मन्दिर परिसरमा छठ पूजाको सूप अथवा ढाकी वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। आज दुर्गागढ़ी अनि वरिपरि क्षेत्रका लगभग 400 विपन्न परिवारहरूमा उक्त छठ पूजा सामग्री वितरण गरियो, जसमा नाङ्लो फल प्रसाद, तेल चुन्नी, दूध, सिन्दूर, साड़ी, आटा, नरिवल, उखु इत्यादि सामग्रीहरू रहेका छन्। उक्त सूप अथवा नाग्लोमा छठ मैयाको पूजाको निम्ति एउटा कम्प्लिट सेट नै तयारी पारिएको हुन्छ, जसलाई लिएर महिलाहरूले आउने छठ पूजा व्रत गर्न सक्छन्। यस कार्यक्रम मार्फत सनातन धर्मको जगेरा गर्ने प्रयास साथै यस पवन छठ पूजामा सबैको घर खुशी र आस्थाको दियो बत्ती बलोस भन्ने एउटा सन्देश लायन्स क्लबद्वारा दिन चाहेको संस्थाका सदस्यहरूले बताएका छन्। यसरी सिलगढ़ी लायन्स ग्रेटर अनि फेमिनाको तत्वधानमा सम्पन्न यस महान धार्मिक कार्यक्रमको आयोजनामा दुर्गागढ़ी नौ ग्रह मन्दिर सञ्चालन समितिका कर्मठ सदस्यहरूको सहभागिताको पनि अति नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नकार्न सकिँदै, सोमबार बिहान लगभग 11 बजीदेखि शुरू भएको कार्यक्रममा 12 बजीसम्म लगभग 300 जना भन्दा अधिक मानिसहरूमा छठ पूजाको सूप वितरण गरिसकेको नौ ग्रह मन्दिरका प्रमुख जजमान पण्डित ध्रुव गुरूले बताएका छन्। यसरी नै आजको कार्यक्रम सफल भएकोमा लायन्सका सबै सदस्य अनि नौ ग्रह मन्दिर सञ्चालन समितिका सदस्यहरूलाई आजको कार्यक्रमका को अर्डिनेटर प्रमोद अग्रवालले धन्यवाद दिएका छन्। नमस्कार, सम्पूर्णमा स्वागत जनाउँदै एनसी न्यूजमा हजुरहरूलाई फेरि म स्वागत जनाउँदछु। र एकजना गुरुजी प्रमोद अग्रवाल, र अहिले हामी सिलगढी दुर्गागढी नौ ग्रह मन्दिर परिसरमा छौँ र सिलगढी लायन्स थिएटर्स र लायन्स फेमिनाको तत्वधानमा जुन छठ पूजा समारोहको निम्ति यहाँनिर छठ सामग्री वितरण गरिरहेको छ, यो एउटा वृहत एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। आउनुहोस्, हामी हजुरलाई अवलोकन गर्दछौँ। यस विषयमा दुई शब्द हामी हाम्रा गुरुजी ध्रुव गुरुजीलाई यो जानकारी जान्न चाहन्छौँ। नमस्कार गुरुजी, तपाईँलाई जय हो, जय हो। एनजी एनजी न्युज हेर्नु भने सम्पूर्ण श्रद्धालुजनहरूलाई, विश्वमा छठ पूजा गर्ने श्रद्धालुजनहरूलाई पनि नवग्रह मन्दिर परिवारको तर्फबाट शुभेच्छा शुभकामना। विशेष गरेर 500 सुप हामीले यहाँ बाँधेका छौँ, लायन्स क्लबको आयोजना हो, साथै नवग्रह मन्दिर परिवारद्वारा यस कार्यक्रममा विशेष उपस्थित शुभ आज कालिम्पोङ मङ्गलधामबाट हाम्रा सबैले जानेका जसको नाम हो मोहन प्रियाचार्यजी महाराज, उहाँको उपस्थितिमा गीत प्रदर्शन गरेर 500 जना श्रद्धालु व्रतालुहरूको सुप वितरण कार्य आरम्भ गरियो। साथै हाम्रा यहाँका नवग्रह मन्दिर परिवारका मूल सल्लाहकार श्री निमलाल सापकोटाज्यू, श्री मोतीबाब छेत्रीज्यू, साथै हाम्रा गाउँका विमल खवासजीको उपस्थितिमा अमल खवासजीको उपस्थितिमा यो सुप वितरण कार्य भइरहेको छ। हामी खुसी छौँ कि हाम्रो नवग्रह मन्दिर परिवारमा एकजुट छ, एकता छ, काम पर्दा सबै एक भएर हामी जिम्मा हुन्छौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभेच्छा शुभकामना। यहाँहरू सबैले हाँकेको ताकेको चिताएको छठमा अहिले पुरा गरौँ। सर्वप्रथम म छठ पूजा गर्ने विश्वभरिका सम्पूर्ण सनातन धर्म विश्वास हरूलाई छठ पूजाको मङ्गलमय शुभकामना टाउँदै छु। हजुरहरू पनि यसरी आइदिनु भयो यहाँनिर एनसी न्युजका पनि तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछु। र यहाँ नवग्रह मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष नै लायन्स क्लब र सिलगढी ग्रेटर मेयरको फेमिलीको तर्फबाट उनीहरू सामग्री यहाँ हामीलाई दिन्छन्। नवग्रह मन्दिरको व्यवस्थापनमा हामीले यस इलाकाका सम्पूर्ण छठ पूजा गर्नेहरूलाई यो सामग्री हामीले यहाँ वितरण गर्छ। हामीले उनीहरू पनि यहाँ आएका थियौँ र हाम्रो मुख्य यस दुर्गागढीमा केवल हामी दुर्गा पूजा मात्र होइन, केवल हामी पुराण मात्र होइन, हामीले विभिन्न धर्म जस्तो छठ पूजा पनि विशेष गरेर हिन्दी भाषामा सिक्नु हो। अहिले वर्तमानमा सबैले नै यसलाई छठ मातालाई विश्वास गरेर सबैले पूजा आचना गर्छन्, सबै जातिले नै गर्ने भएको छ। र हामी यो दुर्गागढीमा सानो एउटा गाउँ भए तापनि यहाँ सबै धर्मलाई सबै धर्म हामी मान्छौँ, सबैलाई नै हामी सहयोग गर्छौँ। परिआएको खण्डमा विशेष गरेर हाम्रो धुलोगुरी हुन्छ, उहाँले नै व्यवस्था यहाँ मिलाउनु भएको हो र उहाँकै व्यवस्थापनमा आज विशेष गरेर यहाँ छठ पूजाको सामग्री वितरण भइरहेको छ। फेरि पनि म सबैलाई छठ पूजाको मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। यहाँ पर हर साल हम लोग सेवा करते हैं ग्रेटर फेमिना और ग्रेटर से,
और यहाँ पर बहुत अच्छे से गरीब लोग का होता है छठ पूजा, जो सहयोग कर रहे हैं, जो लोग छठ पूजा का सामान नहीं खरीद सकते हैं गरीब लोग परिवार को और उनके मतलब बिहार गरीब परिवार को हाँ सेवा करते हैं हर साल। इस बार कितने परिवार को? इस बार 400 परिवार का। हाँ क्या, और यहाँ पर पूजा का जो सामग्री लगता है सारी नींबू फल गुड़ तेल सब दे रहा है, पानी फल नाशपति और तबको लगी ये नींबू सब पूजा में, तो उन लोग कम से कम पूजा कर सके जो जिसके घर में खाने का नहीं है। और ये सहयोग हमारा लाइन्स ग्रेटर मतलब आप लोगों का उद्देश्य ये है कि जो जो गरीब वो भी अपना पूजा पाठ कर सके, खुशियाँ लाए। दीपावली के बाद छठ पूजा एक ऐसा है ग्रेटर लाइन्स से कि मैं पास प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम सरिता जैन। थैंक यू आप मीडिया आप लोग इतना कर रहे हैं और भी हम लोग को आगे अच्छा मिलेगा आप लोग का सहयोग से, जो जिसके पास हम लोग पहुंच नहीं पाए वहां पहुंच जाएगा। थैंक यू। आपका सुना मेरा नाम संगीता अग्रवाल, मैं लाइन्स क्लब से एग्रीगेटर थे मीना के। आपको इंजीनियर का स्वागत है। गरीब और हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर जगह छाए रहे, यही नहीं है कि हमारा सिर्फ हम आइस क्रीमिंग करें या ब्लड डोनेशन करना है या कुछ भी। हमें लगता है कि नहीं, हर त्यौहार को हम इतने आकर्षित करें कि हमारे मतलब लोगों को जो काम रहता है त्यौहार का वो और ज्यादा उनमें भावना है उसको करने के लिए। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम देखें गरीब की सेवा करेंगे जो नहीं कर पाते हैं। बाइचांस कभी कभी होता है कि कोई मतलब मन में इच्छा रहते हुए भी मतलब सामान के लिए कर नहीं पाते हैं लोग, तो इस तरह से हमारा जो हमारी जो सेवा होती है उससे बहुत लोग मतलब अपनी अपनी पूजा कर सकते रहता है हमारा। तो इसलिए हम आज हमने यहाँ तक यहाँ चुना है नौकरा मंदिर में क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पे हमें बहुत सारे इस तरह की गरीब जनता मिल जाएंगी, है ना। बाकी सब जगह तो क्या होता है कोई ना कोई पहुँच जाता, पर इस तरह की बस्ती में लोग पहुँचते नहीं है देने वाले, तो हमने इसलिए यहाँ को चुना है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने मंदिर के प्रांगण को चुना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छे काम के लिए मुबारक आप लोगों को। ऐसे लाइन्स क्लब सदा छाए रहे गरीबों के लिए आप लोग सोचते रहे। मेरा नाम परमेश्वरी मस्कर। आप क्या है लाइन्स क्लब के? मैं मेंबर हूँ। मेंबर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इससे मतलब ये सब काम धर्म का काम होते ही रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ ना सब परिवारों को कुछ ना कुछ मिलता रहे और वो लोग अपना आयोजन अच्छा से कर सके। मेरा नाम करुणा अग्रवाल है। मैं चाहती हूँ कि भाई सबकी सेवा होती रहे और हम लोग जितना हो सके उतना सेवा कर सके। नेहा अग्रवाल, मैं भी मेंबर हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे तरफ से और हर साल ही कोशिश रहता है कि हमारा क्लब ये प्रोजेक्ट करे, तो हम लोग ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। शर्मिला गर्ग, ये बस वही जो बिहारी समाज की महिला लोग गरीब जो महिला है जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती है वो मतलब अच्छे से पूजा करे बोल के हम लोग ये मतलब दान कर रहे हैं। मतलब उद्देश्य आप लोग का उद्देश्य ये सेवा की भावना है, सेवा की भावना और गरीबों की गरीब लोग की जले। हाँ, गरीब के घर में दीवार जले छठ मने। हाँ খুব ভালো লাগে, একটা ধর্ম কাজ হচ্ছে। আমরা সবাই হিন্দু, হিন্দু ধর্মটাকে আমরা ভালোবাসি। সেই হিন্দু ধর্মের জন্য এই যে সকাল থেকে উঠে 6 দিন ধরে উপবাস থেকে এরা পূজাটা করে, এই পূজাটা আমাদের খুব ভালো লাগে, তাই আমরা ক্লাবের সবাই মিলে এটা করার চেষ্টা করি। নমস্কার জি, আপনার শুনুন। মেরা সজ্জন আগরওয়াল। সঞ্জীবজি, সজ্জন আগরওয়াল। সঞ্জীবজি, এজিনিয়ার মে স্বাগত আপকো। আজ জো আপ লোগ নে ग्रेटर लाइन्स और फेमिना की तरफ जो सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा काम है, सबको अच्छा भी लगता है। छठ पूजा को आजकल सभी मानते हैं और बड़ी माने श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। हम छठ पूजा और दिवाली की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। नहीं, अच्छा है, इसमें जो आदमी नहीं सकता है वो लोगों को कुछ हेल्प हो जाती है और हम लोग का भी एक तो मोटिव होता है भाई हम लोग कुछ अच्छा काम करें, जितना हो सकता है उतना अच्छा काम करें। सभी के घर में दिया जले, सभी घर में दिया जले, सभी खुशी मनाए, सभी शामिल हो। ये छठ पूजा अपना बहुत ही आस्था का पर्व है जो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो इस पर्व को सिर्फ बिहारी नहीं सभी कास्ट मनाने लगे हैं क्योंकि छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और हम लाइन्स क्लब की तरफ से हर साल ये छठ पूजा में सामान वितरण करते हैं। आज हमारा 400 से ज्यादा लोगों को सामान वितरण किया गया और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं और ये
तो सब कोई अपना छठ का सामान जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो लाइन्स क्लब हमेशा ये काम करती रहती है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। सुनीता अग्रवाल। सुनीता जी, आपको भी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस वही, जो ये धर्म का काम है करके अच्छा लग रहा है और बहुत जन आ रहे हैं। डांस क्लब फेमिना की तरफ से हम लोग जितना हो सके सबका हेल्प करने का कोशिश करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर लाइन्स क्लब को कोऑर्डिनेटर उनका फ्रॉम आउट ऑफ जीरो इंजीनियर को स्वागत है। मैं जी यो जुन तपाईको अब लाइन्स क्लब को मिशनहरू हामीले धेरै देखिरहेका छौँ है, विभिन्न क्षेत्रमा फुड डिस्ट्रिब्युसनदेखि लिएर मेडिकेसनमा, आई केयर, ब्लड डोनेसन है, एभ्री फिल्डमा एक्टिभ छ सिलगढी क्षेत्रमा, नर्थ बेङ्गलमा भनौँ न है। तर आजको एउटा ट्रेडिसनल कल्चरलको एउटा कन्जर्भेसन जस्तो कुरोहरू भयो, हाम्रो सोसाइटीमा गरिबहरूलाई पनि उनीहरूको घरमा पनि खुसियाली छओस् भन्ने उद्देश्य लिएर यो क्षेत्रमा पनि लाइन्स क्लब आएको छ है, के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष उद्देश्य त्यही हो हाम्रो, विशेष उद्देश्य बिचरा गरिब हुन्छ कति है, यति कुरा सुपको कस्टिङ करिब पनि 600 रुपियाँ आउँछ जो हामीले मागेको छ, त्यसका अरू पनि खर्च छ सक्नु तपाईँले है, एउटा पूजाको अन्त कमसँग एउटा 1000 खर्च छ, कतिजनाले एफोर्ड गर्न सक्दैन। त हाम्रो उद्देश्य त्यही हो कि उनीहरूको भयो यो सुप पुऱ्याइदियो, प्रोटिन आइटम तपाईँले हेर्नुभयो सबै आइटम माने तन्दुरदेखि लिएर कपडदेखि लिएर दियादेखि लिएर सब कुरो हामी दिन्छौँ उहाँहरू, जहाँ पूजाको समय कम्ती छ त्यसमा, उनीहरू यो पुरा सुप लिएर सिधा पूजा पनि सक्छ उहाँहरू, एउटा सेट किन्नुको लागि लगभग 600 रुपियाँ लगाउनु सक्छ। हजुर हजुर, त्यो सेट टोटल किन्नु हुँदैछ टोटल टोटल त्यो के आउँछ आइटम भनेर आइटम तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् सिन्दुर हेर्नुहोस् बिहा हेर्नुहोस् बाती हेर्नुहोस् है, यता नारियल हेर्नुहोस् गमरा हेर्नुहोस् तपाईँले साडी हेर्नुहोस् त्यति हेर्नुहोस् है, बहुत सारा आइटम छ यसमा, फल छ 3-5 फल छ यसमा, त्यो चाहिन्छ उसमा होइन। अन्त हामीले 400 लेख्छ पनि हाम्रो 8 लाखको बजेट है, 8 लाखको बजेट। अब समाजलाई मेसेज के दिन चाहनुहुन्छ अन्तमा? समाजलाई त यही चाहन्छु कि सपना आएको सबैलाई शुभकामना होस्, जिन्दगी राम्रो होस् होइन, समाजमा यस्तै कार्यहरू गरिरहोस्, सदैव लाइन्स जातिको उत्थानको निम्ति सदैव लाइन्स लागिरहोस्। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भट्टको यजिने, धन्यवाद। आज चाहिँ लङ्ग मन्दिर संसारमा अब भव्य रूपमा किनकि पल्लाका विपन्न परिवार है, 4 जनालाई वितरण गरियो सामग्रीहरू, के भन्नु तपाईँहरूले? सर्वप्रथम त यो एचजी न्युज हेर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई दीपावली र आउँदै गरेको छठ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र आज हामीले सिलगढी लाइन्स ग्रेटर र ग्रेटर फेमिनाको सहयोगमा र मौद्र मन्दिरमा 4 जना जस्तो विपन्न परिवारहरूलाई, यो दुर्गागढी र मल्लगढी मात्र होइन, यो सारा सिलगढीकै सिलगढीवासीहरूकै छन्, सिलगढीवासीहरूलाई नै हामीले छठ पूजाको सामग्रीहरू वितरण गरेको थियौँ। यो कार्यक्रम कति महत्त्वपूर्ण, एउटा जुन विपन्न परिवारहरू घरमा खुसियाली छाउँछन् है, जसले चाहिँ अब छठ पूजाको सामग्री एउटा सेटको 600 रुपियाँ पर्छ अरे अहिलेभित्र हामीले जान्न आए है, त त्यो किन्ने लागत पनि हुँदैन कति परिवारहरू यस्तो अवस्थामा पनि छ है उनीहरू, उनीहरूलाई आज यो सामग्री दिँदा कतिको ठुलो कार्य धर्मको कार्य गरेको छ लाइन्स क्लबले। यो त साह्रै यिनीहरूको त उयो नै कामै धर्म गर्ने हो लाइन्स क्लब भनेकै, अब मतलब इन्डिया भनेदेखि इन्टरनेसनल हो लाइन्स क्लब, इन्टरनेसनल संस्था पनि हो र यिनीहरूले त धर्मको त काम गरिरहेको छन् होइन, त त्यसमा पनि हामीले पनि अब हाम्रो मतलब हामीले आर्थिक सहयोग नगर्न सके पनि शारीरिक मानसिक सहयोग श्रमदानहरू गरेर चाहिँ र उहाँहरूलाई जति पनि गरिब व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। स्वागत छ र तपाईँको शुभनाम केदार शर्मा, हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँका दुर्गागढीका समाजसेवी तथा नवग्रह मन्दिरका एकजना सक्रिय सदस्य केदार शर्माज्यू, र आज उहाँहरूले पनि यो जुन छठको सुप वितरण कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जन्मभएको, दाजु के छ के भन्न चाहनुहुन्छ? छठ पर्वको उत्सव भयो, हर साल लाइन्स क्लब दुर्गा जनकल्याण संगठन र नवग्रह मन्दिरको एकजनामा हर साल 300-400-500
फल फूल सर्वप्रथम त लाइन्स क्लब सिलगढीलाई धेरै धेरै धन्यवाद जनाउँछु। छठ पूजाको उपलक्ष्यमा यति राम्रो गरेर आज प्रसाददेखिको लिएर साडीदेखिको लिएर दियो पातदेखिको लिएर हरेक आज यहाँ सम्पन्न रूपमा गरिब दुःखीलाई आज आज दिइराखिनु भएको छ र हामी धेरै खुसी छौँ। हामी आज नारी जनकल्याण सङ्गठनबाट आज यहाँ अवसर ग्रहण गरिराखेको छौँ र यो नवग्रह मन्दिरका सदस्यहरू छ सबैलाई धन्यवाद अग्राउँछौँ। यहाँ यसो गरेर गरिब दुखीकोलाई सहयोग गरेर आज यो प्रसाद वितरण गरिराखेको छ पूजाको निम्ति र आज हाम्रो सबै सबै जनकल्याण सङ्गठनको लागि धन्यवाद जनाउँदै परिसरबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र आज यहाँनिर सिलगढी ग्रेटर लायन्स र लायन्स फेमिनाको तत्वधानमा जुन आयोजना गरियो र साथै नवग्रह मन्दिर सञ्चालन समितिको संयुक्त पहलमा सिलगढी दुर्गागढी अनि संलग्न क्षेत्रका जति पनि विपन्न परिवारहरू 400 जति विपन्न परिवारहरूमा यो छठ मैयाको जुन पूजा सामग्री वितरण गरेर एउटा ठुलो कार्य गरेको छ। एउटा धर्मको रक्षा संस्कृति परम्परा जगेरा गर्ने उद्देश्य लिएर जुन लायन्स क्लब र नवग्रह मन्दिर सञ्चालन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम धेरै धेरै एउटा सराहनीय कार्यक्रम हो र यसले एउटा समाजमा के मेसेज जान्छ भने विपन्न परिवार गरिब परिवारहरूले पनि आफ्नो संस्कृति परम्परा पूजा चाडबाड खुसियालीसँग मनाउन सकोस्, गरिबको घरमा पनि दिया जलोस् भन्ने उद्देश्य लिएर यो कार्यक्रम गरेको हो। र हजुरहरू सबै समयबाट म एच न्युज ब्युरोजी प्रभाकर प्रधान अब बिदा लिन चाहन्छु र सबै समयमा छठ पूजाको पनि धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय गोर्खा। यो हो एसजी न्युज।